Hey guys, welcome to my wrestling channel. तो guys, बहुत ज़्यादा अपडेट है. सेथ रॉलिंस से, बैकी लेस से, रसलमेनिया 40 से, रिया रिपली से, डोमिनिक मिस्टीरियो से. तो वीडियो को लास्ट तक देना है, चैनल को पहले कर लो सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको. तो फर्स्ट अपडेट जुड़ी गई वो जुड़ी हुई हमारे एजे स्टाइल से. तो गाइज बहुत से रूमर्ड है, बहुत सी अपडेट्स है जिनका कहना है कि एजे स्टाइल हील टर्न तो कर चुके हैं और अब वो एक न्यू फैक्शन भी लेके आ सकते हैं जो खतरनाक डार्क फैक्शन होगी. क्यों, आपने देखा ही होगा स्मैकडाउन जो लीक हुई टेप, उसमें से एजे स्टाइल ने ब्लेजर पहना हुआ था और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी. तो बहुत से रूमर ये हैं कि वो एक फैक्शन ला सकते हैं जो डार्क फैक्शन होगी. तो मुझे तो लग रहा है यार वो फैक्शन लेके आएंगे ओसी वाली, क्योंकि ओसी ग्रुप वापस आएगा एंड उसी में कोई ना कोई और फैक्शन बंदे भी आएंगे, जुड़ेंगे उनके साथ. तो ये अभी रूमर्ड है एंड गाइस उनका मैच भी कंफर्म है एलए नाइट के साथ, कि एलए नाइट के साथ वो करेंगे जाके फ्यूड. तो देखो गाइस क्या होता है. बाकी एजे स्टाइल्स की अपडेट थी. नेक्स्ट अपडेट हमारी जुड़ी टॉप डाला से. आपको पता होगा टॉप डाला जो हिट रोम में भी थे एंड गाइस उन्हें रिलीज कर दिया गया है. एंड मतलब रिलीज हुए सुपरस्टार, उसका 30 डेज का क्लॉ होता है कि वो रसल नहीं कर सकता. तो उन्होंने ट्वीट किया कि टॉप डाला एरा इज बैक. तो देखो गाइज वो डब्ल्यू में आ रहे हैं या किसी और प्रमोशन में जा रहे हैं. बाकी यार उनके रेसलिंग वाइज अच्छे नहीं थे, रैपिंग वाइज अच्छे थे, रेसलिंग उनके बहुत गंदे वॉच होते थे. नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइज कुछ ऐसे सुपरस्टार जिन्हें 2024 में बहुत खतरनाक पुश मिलने वाला है. लिस्ट आप देख सकते हो जिसमें ड्रैगन ली है, ब्रॉन्सन रीड है, हमारे काइरी सेन है, और भी सुपरस्टार आप देख सकते हो इस लिस्ट को. इन सुपरस्टार को नेक्स्ट लेवल पुश मिलने वाला है 2024 में. और गाइस इसमें ग्रेसन वॉलर भी हैं, बस ऑस्टिन थ्योरी का नाम नहीं है. तो गाइस ये अपडेट है सुपरस्टार्स की, जो यंग टैलेंट है उन्हें मिलेगा मेन रोस्टर पे पुश. नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है रिया रिपली से. तो गाइस बैकी लेज ने कहा रिया रिपली से, मतलब वैसे ही इंटरव्यू के दौरान, कि मैं रसलमेनिया 40 में तुझसे टाइटल लेने आने वाली हूँ. और गाइस बहुत से रूमर है कि बैकी लेज वर्सेस रिया रिपली मैच होने वाला है इन रसलमेनिया. तो देखो गाइज रिया रिपली और बैकी लेज का मैच होता है या नहीं होता है. बाकी यार रूमर्ड और कंफर्मेशन तो इतने ही है कि इनके दोनों के ही मैच होंगे रसलमेनिया में. और रिया रिपली का कैरेक्टर तो गाइज स्ट्रॉन्गर दैन स्ट्रॉन्गर है. एक तो आपको पता ही होगा गाइज कि शार्लोट फ्लेयर इंजर्ड हो चुकी हैं, वो नहीं परफॉर्म कर सकती अब रसलमेनिया में. तो देखो क्या होता है. नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइज हमारी वो जुड़ी हुई है डोमिनिक मिस्टीरियो से. तो डोमिनिक मिस्टीरियो गाइस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गए और उन्होंने अपने करेक्टर ब्रेक करके कहा कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं डब्ल्यू में ज्वाइन किया और अब तो मैं नेक्स्ट लेवल पे हूँ, जजमेंट डे के अंदर हूँ. एंड गाइस उन्होंने कहा कि मेरा करेक्टर जो है वो एक अलग ही लेवल पे है, क्योंकि बहुत से लोग कहते थे कि नेपोटिज्म प्रोडक्ट है, लेकिन नहीं. राइट नाउ उन्होंने कहा कि मैं पूरे वर्ल्ड वाइल्ड घूम रहा हूँ एंड बेस्ट बात ये है कि मेरा करेक्टर सबसे ख़तरनाक है एंड लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं एंड मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ बंदे ने इस लेवल तक की जर्नी सेट करी है और नेक्स्ट लेवल का पुश भी मिलेगा उन्हें नेक्स्ट ईयर. आपको पता ही है तो फर्स्ट टाइम आए उन्होंने करेक्टर ब्रेक किया है. तो ये अपडेट थी हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो से. नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है ड्रू मैकइंटायर एंड सेथ रॉलिंस से. तो गाइस ड्रू मैकइंटायर सेथ रॉलिंस इनका मैच होगा डे वन पे. तो बहुत से मतलब फैंस का कहना है ड्रू मैकइंटायर के कि अब ड्रू मैकइंटायर को जिता देना चाहिए और सेथ रॉलिंस को हरा देना चाहिए. जो देखो यार अगर सेथ रॉलिंस जीते हैं तो वो सीएम पंक को चैलेंज कर सकते हैं एंड भाई साहब कैश इन भी हो सकता है. अब उस कैश इन का अगर दूर दूर से पता नहीं चल रहा, जो डेमियन ब्रीज के हाथ में मनी इन द बैंक है वो तो दूर दूर कतई ही नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है उसके मनी इन द बैंक से. लेकिन जैसे उसका यूज़ होगा कि आपका डे वन पे कैश इन हो जाए, कि आपका ट्रिपल थ्रेट मैच कुछ भी हो सकता है. बाकी ये अपडेट थी सेथ रॉलिंस से. नेक्स्ट अपडेट हमारी बैक की सॉरी काचो चिकाकाटा. तो गाइज उनका कहना है कि जापान के जो प्रो रेसलर हैं काचो चिकाटा वो रसलमेनिया सॉरी रॉयल रंबल में आ सकते हैं, रॉयल रंबल में आके परफॉर्म कर सकते हैं. तो देखो गाइस काचो चिकाटा आते हैं कि नहीं आते हैं. बाकी देखो रॉयल रंबल में क्या होता है. नेक्स्ट है गाइस रॉयल रंबल से ही. तो गाइस बहुत से मतलब रेसलिंग सोर्सेज का मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस बार रॉयल रंबल द बेस्ट एवर करवाने वाली है, कि टॉप लेवल रॉयल रंबल करवाने वाली है जो एक नेक्स्ट लेवल पर ही होगी. तो देखो गाइस क्या होता है. तो लास्ट अपडेट जब जुड़ी हमारी गाइस वो जुड़ी है शाशा बैंक से. तो शाशा बैंक वापस आ सकती है या नहीं आ सकती आप कमेंट में बताना. बाकी बेली बहुत टाइम से उनका कर रही है कि हाँ वो आ सकती है ऐसे ऐसे. तो वाइज देखो शाशा बैंक आती है रॉयल रंबल में या नहीं आती. तो ये अपडेट्स या वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना.